दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप फेसबुक अकाउंट यूज़ करते हैं और ऐसे में अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो कम्प्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो कमाल का है। मतलब कि यहाँ पे जो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं वो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन ला रहे थे और हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उसमें फॉलो का ऑप्शन नहीं होता। तो इसके रीज़न क्या है और आप इसको इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है और अब तक मैं यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री से, कोई चार्ज नहीं लगता। पहले बात करते हैं ये जो फॉलोअर्स का ऑप्शन होता है वो क्यों ज़रूरी है और उसका बेनिफिट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, और बड़े बड़े स्टार होते हैं उनको ये फॉलो का ऑप्शन ही क्यों मिलता है, एड फ्रंट का क्यों नहीं होता, जैसे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर एक सिंपल सी सेटिंग करनी होती है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में भी ये फॉलो का ऑप्शन ला सकते हैं। मान लीजिए आप थोड़े बहुत आप स्टार बन चुके या फिर आपको थोड़ा बहुत लोग जानने लगे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ सकती है एड फ्रेंड के लिए, और ऐसे में होता क्या है वहाँ पे जो लिमिट होती है एड फ्रेंड की 5000 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, आपको भी बताओगा। तो यहाँ पे जब आप किसी को ऐड भी करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करता है ऐड भी करते हैं तो मैक्सिमम आप 5000 से ज़्यादा ऐड ही नहीं कर सकते। तो अब 5000 से जो ज़्यादा फ्रेंड्स आपके अकाउंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही इंस्टाग्राम वगैरह आप देख सकते हैं किसी का 10 मिलियन 1 मिलियन इस तरह से होते हैं, तो जैसे फेसबुक में भी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं पेज वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पेज में फॉलो ऑप्शन आता है, तो अकाउंट में क्यों नहीं आ सकता, अकाउंट में भी आ सकता है। तो उसके फ़ायदा यही है कि अगर एड फ्रेंड आप ऑन कर रखोगे तो आपको रिक्वेस्ट की जाएगी और आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करोगे तो मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपकी फ़ोन में रिक्वेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो फुल हो जाएगा तो आपको किसी को अनफ्रेंड करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बड़े बड़े स्टार भी यही करते हैं कि एड फ्रेंड वाला ऑप्शन हटा लेते हैं और फॉलो का ऑप्शन रखते ताकि जो भी बंदा फॉलो करना चाहते उस स्टार को या फिर उनके अकाउंट्स को वो कर सकता है, उसके बाद आप जो भी पोस्ट करते हैं वो जो फॉलो किया उसको इजीली देख पाए, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती फॉलो की। तो ये एक फ़ायदा है फॉलो का, और जब फॉलो का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा आपको फॉलो भी करता है तो आपको एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैठ के एक्जैक्टली टाइम नहीं निकालना पड़ता किसी को फॉलो एक्सेप्ट करने वगैरह, जो जैसे एड फ्रेंड में हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं इस तरह से आपको टाइम भी निकालना नहीं पड़ता फॉलो में, और जैसे उस फॉलो पर क्लिक किया तो समझो अकाउंट उस पर फॉलो कर दिया, मतलब फ्रेंड बन चुका उस अकाउंट का। तो ये एक फ़ायदा है। और इसको ऑन कैसे करते हैं मैं आपको, आपका खुद का अकाउंट होगा तो भी आप ऑन कर सकते हैं और आप स्टार बन सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है, मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे जाके दिखाने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पे करना है, मैं प्रूफ के साथ बताना, पहले जो डायरेक्ट हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है वो कैसे होता है, उसके बाद ऑन करने के बाद फॉलो का ऑप्शन कैसे आता है वो भी बताऊँ। तो अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे, अब यहाँ पे हम जाते हैं क्रोम में, और ज़रूरी नहीं कि आप अपने जो प्रोसेस क्रोम में करें तो आप अपनी फेसबुक ऐप में भी कर सकते हो, बट मेरा अकाउंट जो है क्रोम में ओपन मतलब कि लॉगिन है तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी फ़र्क नहीं, आप फेसबुक ऐप में जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, ये वाला जो अकाउंट है, और 3 लाइन पर क्लिक करते हैं और इस अकाउंट के जो प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पे हमें फॉलो का ऑप्शन कहीं पे शो नहीं हो रहा, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में मतलब यहाँ पे आता है फॉलो बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, तो ये सब कुछ आता है, बट यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फॉलो का। तो अभी यहाँ पे करेंगे, पहले मैं आपको दूसरे अकाउंट में जाके भी दिखा देता हूँ कि इस अकाउंट में फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं, तो वो भी हम दिखा रहे थे। यहाँ पे मेरा टेम्पररी एक अकाउंट और है तो मैं इसमें फेसबुक ऐप में ऑन कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, तो उसको भी ओपन करके हम दिखा लेते हैं। यहाँ पे सर्च पे जाते हैं और वहीं वाला अकाउंट हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, निर्गामिति, और ये वाला जो अकाउंट्स है आप देख सकते हैं वही अकाउंट है जो मैंने पहले बताया, तो इसमें भी फॉलो का ऑप्शन फिलहाल इस टाइम अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे फॉलो का आएगा, बट वो हम सेटिंग ऑन करने के बाद, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें कि फाइंड सपोर्ट ब्लॉक सर्च, और इसमें भी यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी फिलहाल इस टाइम अवेलेबल नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे अकाउंट में सेटिंग नहीं है, जो एक नॉर्मल अकाउंट है हमारा जो रेगुलर यूज़ करते हैं वैसा अकाउंट है इस टाइम, इस वजह से। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे उस अकाउंट में जाना है जिसमें हमें फॉलो का ऑप्शन ऑन करना है, तो सिंपली इस पर बैक कर लेते हैं और इसके इस अकाउंट के सेटिंग में जाएंगे, तो 3 लाइन है उस पर क्लिक कर देना है, उसमें नीचे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाके पब्लिक पोस्ट
ये जो वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। बट यहाँ पे बता दूँ, किसी को पब्लिक पोस्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो उनके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, ये क्यों नहीं मिलता, उसको ऑन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो डिफ़ॉल्ट में होता है वो फ्रेंड्स होता है, और यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वगैरह जो भी है। तो हु कैन फॉलो मी या फिर पोस्ट पब्लिक पोस्ट कमेंट वगैरह जो भी है वो सारे फ्रेंड में है, मतलब कि पब्लिक में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले तो पब्लिक करेंगे, इसको भी पब्लिक करेंगे, ये भी पब्लिक करेंगे और ये भी पब्लिक करेंगे, और नीचे एक और ऑप्शन आएगा पब्लिक, तो वो भी हम पब्लिक करने वाले हैं, ये भी पब्लिक करेंगे। और आपको नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑफ होगा तो भी चलेगा, बट ऊपर के जो सारे ऑप्शन है वो सारे पब्लिक होने जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको बैक करके देख लेते हैं, मतलब कि अपने अकाउंट में जाके ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्लिक करना होता है पब्लिक पे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, मतलब अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट में जाएंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करके और वहाँ क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे पब्लिक मतलब जी फॉलो का ऑप्शन आया नहीं। तो फिलहाल हमें इस अकाउंट में कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा इस टाइम, क्योंकि हमारे अकाउंट जो है किसी ने फॉलोअप नहीं किया, एक भी बंदे ने फॉलोअप नहीं किया, तो जाहिर सी बात है हमारे अकाउंट में यहाँ पे कुछ भी फॉलो का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा फॉलो बाय 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। तो फिलहाल इस टाइम हमारे अकाउंट किसी ने फॉलोअप नहीं किया तो नहीं दिखाई देगा। तो हम जाके दूसरे अकाउंट में फॉलो करेंगे, आपको बताना है किसी फ्रेंड को या फिर अपने दूसरे अकाउंट में जाके एक बार फॉलो कर लेना है, किसी एक ही फॉलो करिए तो भी आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फेसबुक ऐप में जाते हैं और उस अकाउंट को वापस सर्च कर लेते हैं, पहले से सर्च करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना दूर हो, मतलब दूर हो जाए। तो यहाँ पे नीर गांबिती को वापस सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन। तो देख लेते हैं, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो फटाफट यहाँ पे इसको ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है या नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे फॉलो ऑप्शन नहीं है, मतलब कि इस अकाउंट में नहीं देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, मतलब इस अकाउंट को फॉलो करना है, सॉरी, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फॉलो का ऑप्शन आ चुका है दूसरे अकाउंट में, मतलब हमारे जो रेगुलर अकाउंट में हमने सेटिंग ऑन की उसके बाद फॉलो का ऑप्शन आ चुका है। तो पहले ये तीन ही ऑप्शन थे, आपने मैंने पहले बताया ये तीन ही ऑप्शन थे, बट अब ये फॉलो का ऑप्शन भी आ चुका है, तो इसमें हम फॉलो पे क्लिक कर लेते हैं। अब बैक चले आते हैं, इस अकाउंट को हमने फॉलो कर लिया। तो सिंपली से यहाँ पे हम इस अकाउंट को फॉलो करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे जो मैसेंजर का ऑप्शन था वो भी हट चुका और यहाँ पे फॉलोइंग आ चुका, और यहाँ पे ऐड फ्रेंड था वो भी अब मैसेज हो चुका है, ऐड फ्रेंड चला गया फॉलो करने के बाद। तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, नीचे देख लीजिए ये आ रहा है फॉलो बाय पर्सन 1 पर्सन, अब पहले नहीं था ये। अब उस अकाउंट में जाके देख लेते हैं, हमारे जो रेगुलर अकाउंट उसमें जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, इस अकाउंट को रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे हमें फॉलो का ऑप्शन नीचे मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इस अकाउंट में देख लीजिए नीचे ऑप्शन अवेलेबल, मतलब ये फॉलो बाय 1 पर्सन आ चुका है, बट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एड पब्लिक डिटेल पे क्लिक करना है, तो ये आपका अकाउंट किसी ने फॉलो कर दिया उसके बाद भी नहीं दिखा रहा तो आपको ये वाला सेटिंग करना है, बट आपको दिखाई दे रहा है तो भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डिटेल है उस पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको चले जाना है, और यहाँ पे देख लीजिए टिक मार्क है, ये आपका टिक मार्क नहीं होगा अगर शो नहीं होता, तो ये जो टिक मार्क होगा तो आपका वहाँ पर भी शो होगा, बट जो ये टिक मार्क नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टिक मार्क नहीं होगा सेव होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पब्लिक ऑप्शन, मतलब ये फॉलोअर्स नहीं दिखाई देगा हमें, फॉलो बाय 1 चला गया, देख लीजिए आप। वापस एडिट पब्लिक डिटेल पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे जाके उसको टिक मार्क कर लेते हैं, मतलब उसको ऑन कर लेते हैं, तो वापस हम दिखा रहे, सॉरी, यहाँ पे कैंसल और एडिट पे जाते हैं और ये जो ऑन कर देते हैं उसके बाद सेव कर लेते हैं, वापस सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद देख लीजिए फॉलो बाय 1 पर्सन आ चुका है। तो ये है तरीका फॉलो ऑप्शन ऑन करने का, सिंपली से आपको पता चुका होगा। आप यहाँ पे इस अकाउंट में जाते हैं वापस, तो आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कूल लग रहा है आपका अकाउंट और प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे बड़े स्टार का लगता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं, टाइम डायरेक्ट मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे फॉलोइंग वगैरह जो भी हो आप उसको अनफॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके अनफॉलो कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये जो ऑप्शन इस पर क्लिक करके अनफॉलो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है करना नहीं करना, बट यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है फॉलो बाय 1 पर्सन, जो अभी फिलहाल इसी अकाउंट ने किया है। तो ये है तरीका स्टार बनने का, मतलब स्टार प्रोफेशनल अकाउंट बनाने का, जैसे कि स्टार लोगों का होता है। तो दोस्तों, आपने कंप्लीट देख लिया होगा और नहीं देखा तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिए और आप अपने अकाउंट में फॉलो का ऑप्शन
ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया, लाइक लीजिए और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।